प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के हिंदी विषय में संस्कृत दिग्दर्शिका के प्रथम पाठ भोजस्योदार्यम का आज अध्ययन करेंगे। देखिए, ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह देव कौपीनावशिषो विद्वान द्वारि वर्तते इति। राजा प्रवेशय इति प्राह, ततः प्रविष्ठा सह कवि भोजमालोक्य अद्य मे दरिद्र नाश्यो भविष्यतीति मत्वा तुष्टो हर्षासूणि मुमोच। राजा तमालोक्य प्राह कवे किम रोदिसि इति, ततः कविराह राजन आकर्ण्य मदग्रहस्थितम् अये लाजानुचय पथि वचन वचन मा कर्ण्य गृहिणी शिशोह कर्णो यत्नात् सुपिहितवती दीनवदना मई क्षीणो पाए यद कृतम द्रसाव श्रुबहुले त्रंदंतः शल्यम मे तमसि पुनरुद्ध तुम मुचितः। देखिए मीनिंग देख लीजिए। कौपीना वसी से जिसके पास लंगोटी ही बच रही है, जिसके पास लंगोटी ही बच रही है, हर्षा सूणी माने हर्ष के आंसू, लज्जा लाजानुच्चय माने उच्च स्वर में सुपीर हितवती अच्छी तरह बंद कर दिए, दीन वदना दीन मुख वाली छीणो पाए हीन साधन वाले, द्रसाव श्रुबहुले आंसुओं से भरी दृष्टि, यदकृत जो कि तंदंतः शल्यम हृदय में गड़े उस कांटे को ऊर्ध्वतम उचिता निकालने में समर्थ। देखिए, ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह देव कौपीना वशेषो विद्वान द्वारि वर्तते इति। इसके बाद कभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव केवल लंगोटी पहने अति दरिद्र एक विद्वान द्वार पर खड़े हैं। राजा प्रवेशय इति प्राह, राजा बोले प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टः सह कविः भोजमालोक्य आद्य मे दरिद्र नाश्यो भविष्यतीति मत्वा तुष्टो हर्षासूणि मुमोच। तब प्रविष्ट होकर उस कवि ने भोज को देखकर आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, यह मानकर
प्रसन्न हो खुशी के आंसू बहाए, यह मानकर प्रसन्न हो खुशी के आंसू बहाए। राजा तमालोक के प्राह, राजा ने उसे देखकर कहा, राजा ने उसे देखकर कहा, कवे किम रोदिसि इति, हे कवि रोते क्यों हो, हे कवि रोते क्यों हो। ततः कविराह राजन, तब कवि बोला राजन, आकर्ण्य मदग्रह स्थितम, राजन मेरे घर की दशा सुनिए, राजन मेरे घर की दशा सुनिए। आए लाजानुचय पथि वचन वचन मा कर्ण्य गृहिणी, घर से बाहर रास्ते पर ऊंचे स्वर से खीले ले लो की आवाज सुनकर, घर से बाहर रास्ते पर ऊंचे स्वर से खीले ले लो की आवाज सुनकर मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने, मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने सिसोह कर्णो यत्नात सुपिहितवती दीन वदना, दीन मुख वाली पत्नी ने बच्चों के कानों को संभाल कर बंद कर दिया, दीन मुख वाली पत्नी ने बच्चों के कानों को संभाल कर बंद कर दिया, जिससे कि वो खील वाले की आवाज न सुन सके। मई छीणो पाए यद कृतम दसाव श्रुबहुले, और मुझे दरिद्र पर जो आंसुओं भरी दृष्टि डाली, और मुझे दरिद्र पर जो आंसुओं भरी दृष्टि डाली, तदंतः सल्यम में तोमसि पुनरुद्ध मुचितः, वह मेरे हृदय में, वह मेरे हृदय में कांटे की तरह गड़ गई, वह मेरे हृदय में कांटे की तरह गड़ गई, जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं, जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सभी बच्चे इसका अर्थ लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें।